प्रियंका शंकरनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के अंबेडकरी अनुयायियों से काफी नाराज, जिन लोगों ने बाबा साहेब का बार बार अपमान किया उनका क्यों दे रहे साथ। महाराष्ट्र के हर जिले में बनाएंगे संविधान भवन। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का आज नागपुर में आगमन हुआ। इस दौरान मैं महाराष्ट्र के बौद्ध भाइयों से काफी नाराज हूँ, इस तरह की भावना उन्होंने प्रकट की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आजादी के बाद से डॉक्टर बाबा साहब का बदस्तूर अपमान कर रही है। संविधान को बदलने की बात बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस कर रही, इसके विपरीत संविधान की रक्षा करने का काम तो पंत प्रधान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने लंदन का मकान, शिक्षा भवन, दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर के घर को म्यूजियम और उनके महापरिनिर्वाण स्थल चैत्य भूमि को स्मारक और सोशल लाइब्रेरी के तौर पर विकृत करने का काम बीजेपी कर रही है। ऐसा कहा उन्होंने, ये देश सिर्फ मुस्कमन नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों का होने की बात भी कही और बताया कि उनकी सरकार महाराष्ट्र में हर जिले में संविधान भवन बनाने जा रही है, जिसके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संविधान के प्रति बीजेपी की भावना स्पष्ट हो सके। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोगाड़े, शंखनाद न्यूज, नागपुर। राहुल गांधी ने कल हरियाणा में कहा है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, जो आपने संविधान की दुहाई दी। जहां जहां बीजेपी नफरत का बाजार खोल रहा है, मैं वहां पे मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मिशन लोटस चलाया जा रहा है, विधायक बोल रहा है 1200 करोड़ रुपए लेके हम तैयार है। तो क्या बीजेपी और आरएसएस संविधान बर्बाद कर रहा है? मैं इतना देर से आपको पाठ पढ़ाया, फिर आप भी कांग्रेस का सवाल को लेकर के फिर मुझे पूछ रहे हैं। जो आप राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसा इंसान इस देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, यह हमारा देश के ऊपर में एक श्राप है। जो आदमी ना संविधान को पढ़ा है, न संविधान का स्पिरिट को समझते हैं, जिसके पूरे परिवार ने बाबा साहब अंबेडकर को अपमान किया, उसके मुंह से संविधान का शब्द निकलना भी अपमान है। मैं ये मानता हूं कि ऐसा इंसान को संविधान के किताब के ऊपर हाथ लगाना भी उचित नहीं है। ये तो हमारा बदकिस्मती से ऐसा आदमी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना है और मुझे डील करना पड़ता है। महाराष्ट्र में आते हैं, मैं तो अपने वर्क को मैं कहने वाला हूं, लेकिन आपने पूछा, मैं आपके माध्यम से भी एडवांस में बोल देता हूं। मेरे अपने एससी एसटी कम्युनिटी के लोग, हमारे बौद्ध समुदाय के लोग राहुल गांधी को रिसीव करने जाते हैं, उसके जयकार लगाते हैं, तो आपको धिक्कार है, शर्म आना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, मैं उस जमाने में अशोक सम्राट के बाद, राजा कनिष्क के बाद देश को संचालन करने वाला कौन है? उस जमाने में राजा महाराजा देश को चलाते हैं, आज के दिन में प्रजा अपने चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से देश चलाते हैं। मैं पहला कैबिनेट मिनिस्टर हूं इस देश में बुद्धिस्ट, तो इतना साल इंतजार करना पड़ा, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा, तब जाकर के आज एक बहुत समुदाय से एक कैबिनेट मिनिस्टर बना। और बाबा साहब जब इस्तीफा दिया तब तक वो दीक्षा नहीं लिया था। बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कांग्रेस का अपमान बंद नहीं हुआ। उसका प्रार्थना, उसका क्या आगे देखिए, आप खुद देखिए उसका कितना सभाएं हैं, तब जाकर के उन्होंने दीक्षा लिया, बौद्ध का धर्म को अपनाया। उसके बाद इतने साल हो गए तो कांग्रेस को कोई बहुत नजर नहीं आया जो कैबिनेट मंत्री बनने लायक का। इसलिए आज इस समुदाय से एक इस देश का कैबिनेट मंत्री है और मेरे समुदाय के लोग राहुल गांधी जैसे इंसान को फुल माला चढ़ा करके उनको सर पे बिठा के चलेंगे तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मुझे तो आक्रोश है दिल में। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आगे भी कहने वाला हूं ये बात को, और ये कोई हल्का से लेने वाला बात नहीं है। ये हमारे लिए हमारा अस्तित्व का बात है, हमारा पहचान, हमारा बैकग्राउंड, हमारा पूरा आत्मा को छूने वाला बात है। इसको हमारा कोई बुद्धिस्ट आदमी, हमारे यहाँ से कोई एससी एसटी आदमी राहुल गांधी का नारा लगाने से मेरे दिल को बहुत चोट पहुँचता है।
कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कल आपके कैबिनेट ने मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया, एक क्रोनोलॉजी उन्होंने ट्वीट के जरिए समझाई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल पीएम बोलते हुए उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, इसलिए इस तरीके के फैसले जो है वो लिए जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग ने मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल में जो काम हुए हैं, विकसित भारत बनाने के लिए जितने काम हुए हैं, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये लोग इस तरह का बातें करते हैं। मैं उसमें ज़्यादा उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कल कैबिनेट, काफ़ी देर तक कैबिनेट चली और कल के कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव आए हैं, उसमें क्योंकि मैं नागपुर में हूं इसलिए बता रहा हूं, मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देना, ये सिर्फ मराठी के लिए नहीं, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं, पूरा देश के लिए एक गर्व की बात है। पहले प्रपोजल तो काफ़ी सालों से था, लेकिन उसका ठीक से कांग्रेस वालों ने अध्ययन नहीं किया। हम लोगों के कार्यकाल में प्रस्तावना आया तो फिर प्रधानमंत्री जी ने साथ में बंगाली, असमीज, पाली, प्राकृतिक, ये सबको मिला करके जो फैसला हुए हैं, ये अगर चुनाव होता तो क्या हम 5 महीने पहले, 6 महीने पहले नहीं लाते क्या, जब लोकसभा चुनाव हुए हैं? पूरा तैयारी करके लाए हैं, ऐसा कैबिनेट में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन मैं महाराष्ट्र के सारे जनता को अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं, और मराठी बोलने वाला और हम सबको, मैं अपने आप को भी बधाई देता हूं कि मराठी भाषा बाकी 4 भाषाओं के साथ में कैबिनेट ने क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। हत्या हुई है, आपने कहा है जिसकी भी हत्या होती है वो समाप्त तो होता है, उसके बाद में वो जीवित नहीं रहता। जब संविधान की हत्या हुई है तब से लेकर आज तक कैसे चला देश? तो हम लोग ने संविधान की तो हत्या हुई है, हत्या होने के बाद हम लोग ने जीवित किया उसका। अरे सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो पेश करने वाली है सरकार। दूसरा सवाल ये कि जो वक्फ बोर्ड का बिल है जो जेपीसी के पास गया है वो इस सेशन में सरकार लाके पारित करने वाली है क्या? देखिए, बहुत सारे बिल्स तो आते रहेंगे और उस पर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन जो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा है, वो कमेटी दौरा कर रहे हैं और मुंबई का भी दौरा करके उन्होंने ख़त्म कर लिया है। हमने जब जेपीसी बनाया तो उसमें एक प्रावधान टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिया था कि अगले सत्र यानी कि शीतकालीन विंटर सेशन पार्लियामेंट का पहला सप्ताह का आखिरी दिन से पहले तक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होना है। तो जैसे पेश होगा उसमें कितना रिकमेंडेशंस आएंगे, कितना हमको उस पर अध्ययन करना है, कितना उसको बदलाव लाना है, एक्सेप्ट करना, कितना को मान्यता देना, ये प्रक्रिया को निर्भर करता है, लेकिन हम तो प्रतिबद्ध है कि हम इस बिल को पारित करेंगे। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही, फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ।